व्हाट्स अप गाइस, क्षितिज हियर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक रनिंग ईयरफोन का रिव्यू कर रहा हूँ, जो है JBL एंड्योरेंस टाइप हेडफोन्स। अब आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो रनिंग बहुत करते हैं और साथ में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया, कई लोग साइड में फ़ोन का पाउच लेके आप ईयरफोन्स लगा रहे हो, उसमें आप फ़ोन कैरी कर रहे हो या फिर आप लीड वाले ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो। तो जब भी मैं एक रनिंग ईयरफोन खरीदता हूँ तो मैं उसमें दो तीन चीज़ें देखता हूँ। पहली चीज़, उसका फिट बहुत सिक्योर होना चाहिए, तो आप जब भी ईयरफोन्स पहन रहे हो वो गिरने नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, उसके अंदर बिल्ट इन MP3 प्लेयर होना चाहिए ताकि आप अपना फ़ोन कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये दो फैक्टर हैं जो मैं हमेशा देखता हूँ। कभी भी आपको कोई भी वायरलेस ब्लूटूथ MP3 प्लेयर टाइप बेस्ड हेडफोन लेना है तो ये JBL एंड्योरेंस टाइप हेडफोन है। अब JBL के 3 से 4 एंड्योरेंस में हेडफोन्स आते हैं, एंड्योरेंस स्प्रिंट, एंड्योरेंस डाइव, एंड्योरेंस रन, बट सिर्फ एंड्योरेंस डाइव हेडफोन है जिसमें आपको बिल्ट इन MP3 प्लेयर भी मिलता है। तो ये इंडिया में रिटेल इसका जो प्राइस है दैट इज़ 7,400 रुपीज़, बट मैंने ऑनलाइन लिया था तो मुझे अराउंड 5,000 के आसपास पड़ा। एंड मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा तो उसमें आपको डिस्काउंटेड ऑफर भी मिलेगा। तो ये JBL एंड्योरेंस डाइव है, तो ये प्राइमरीली रनिंग प्लस स्विमिंग बेस्ड ईयरफोन्स हैं। और इसकी अगर हम इसको ओपन करके देखें तो मैंने ईयरफोन्स अलग से निकाले हैं। तो ईयरफोन्स अगर मैं आपको सिर्फ ईयरफोन्स दिखाऊँ तो ईयरफोन्स आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे। सो इसका फिट बहुत अच्छा है और इसके अलावा आपको इसके अंदर एक पाउच मिलता है जो आपको कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ आपको कुछ ईयरप्लग्स मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपको ऑप्शंस मिलते हैं आपके कान के हिसाब से जैसे आपको वेयर करना है। उसके अलावा आपको इसमें कुछ मैनुअल्स रहेंगी जो आपकी एंड्योरेंस डाइव और वारंटी कार्ड्स। सो दैट्स मोस्ट व्हाट यू गेट इनसाइड। तो अभी मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू करूँगा। तो मैंने ये रनिंग ईयरफोन क्यों ख़रीदा, प्राइमरली क्योंकि इसका फिटिंग बहुत अच्छी थी, इसकी वॉइस क्वालिटी इज़ अमेजिंग एंड इसका फिट बहुत अच्छा है। तो मैं अगर रिव्यू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इसको पहनो तो आप हाउ डज इट अपेयर। तो आपको इसको ऐसे पहनना है और ये आपको साइड से ऐसा दिखेगा। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेडफोन अपार्ट फ्रॉम JBL ब्रांड की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये वीडियो का इस JBL से स्पॉन्सर्ड नहीं है तो वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। सबसे पहली चीज़, इस ईयरफोन्स में आपको मिलता है 8 hours का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम। तो अगर आप 1 घंटे में चार्ज करते हो तो आपको 8 घंटे का म्यूज़िक टाइम मिलता है, मतलब बैक टू बैक 8 hours म्यूज़िक सुन सकते हैं। दूसरी चीज़, आप सिर्फ 10 मिनट अगर इसको चार्ज करते हो तो आपको 1 घंटे के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हो, ओनली बाई 10 मिनट्स ऑफ चार्ज। तीसरी चीज़, इसके अंदर 1 GB इंटरनल स्टोरेज है जिसके साथ आपको अराउंड 200 गाने आप उसमें फिल कर सकते हो। फोर्थली, द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, इसका पावर हुक। अब जो इसका पावर हुक है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये जैसे आप अपने ईयरफोन्स पहनते हो ना कान में, ऐसे पहनोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है एंड आप इसको रिमूव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑन ऑफ का बटन एज सच नहीं है, दैट्स कॉल्ड पावर हुक। तो ये आपको इधर से दिखेगा, जब अभी इसके साथ टच होता है देन टर्न्स ऑफ, और कान में लगाओगे तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन। इसके बाद बेस्ट पार्ट अबाउट इज ट्विस्ट लॉक। ट्विस्ट लॉक क्या करता है, आपके कान में जब आप इसको पहनते हो तो गिरने से रनिंग के टाइम नीचे नहीं गिरेगा, मतलब आपको जैसे भी फिटिंग करते हो अगर आप इसको नीचे गिराना चाहोगे इट डजेंट कम डाउन। और मैंने ये काफ़ी रनिंग करके भी ट्राई किया, मैंने अराउंड 1 week इसका यूज़ किया है, रनिंग में, स्विमिंग में, ट्रेडमिल रनिंग, मैंने बहुत जगह रन करके देखा तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्टली, वाटरप्रूफ है, तो स्विमिंग के लिए, बिकॉज एंड्योरेंस डाइव है तो प्राइमरली रनिंग एंड स्विमिंग, तो आप स्विमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं JBL के। तो इसके अलावा मैं पहले सोनी के हेडफोन्स यूज़ कर रहा था, सोनी वॉकमैन सीरीज के, तो दैट्स ऑल्सो रियली नाइस। अगर आपको दो ऑप्शन देखना है तो मार्केट में आपको 2-3 ऑप्शन ही मिलेंगे जो आपको बिल्ट इन MP3 प्लेयर के साथ हैं। अब मूविंग टू कॉन्स, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें क्या पसंद नहीं आया, इसमें पसंद सिर्फ मुझे ये नहीं आया कि इसके जब आप इसको पहनते हो तो अगर आप इसमें नोटिस करोगे इसमें कोई बटन्स नहीं है, मतलब प्रेस करने के लिए नहीं है। जब आप इसको ऑन करते हो तो आप इसको, मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, आप इसको ऑन करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा ब्लूटूथ और MP3 का ऑप्शन है,
आप इस पर 3 सेकंड का प्रेस करके रखोगे तो MP3 प्लेयर सेलेक्ट हो जाएगा, और 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो ब्लूटूथ वाला सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो वॉइस का है, आपको साउंड इंक्रीज करने तो आप साइड में ऐसे करोगे तो साउंड इंक्रीज हो जाएगी, साउंड डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, तो ऐसे जिसके कोई वर्चुअली बटन्स नहीं है, तो जो कि मेरे को एक प्रॉब्लम इसलिए लगता है क्योंकि जब आप कान में लगा के सुन रहे हो और आपने गलती से ऐसे टच कर लिया तो कभी कभी क्या होता है सॉन्ग रुक जाता है। तो आपने सिर्फ टच ही किया, मतलब आपने अनइंटेंशनली किया, बट आपका हाथ लग जाता है तो कभी कभी सॉन्ग रुक जाता है। मुझे बस ये एक ही प्रॉब्लम फेस हुई इस ईयरफोन्स में। बाकी इन ईयरफोन्स में ओवरऑल साउंड क्वालिटी वॉज अमेजिंग। रनिंग करते हुए नीचे नहीं गिर रहे थे, विच इज़ द बेस्ट एंड द सबसे पहली चीज़ जो मुझे देखनी होती है अगर मैं एक रनिंग रिव्यू कर रहा हूँ या फिर अगर मैं रनिंग ईयरफोन पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ थी जो इसका 200 सॉन्ग्स थे, तो दैट इज़ प्रीटी डिसेंट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 GB होना चाहिए, क्योंकि जो मैं सोनी के ईयरफोन्स यूज़ कर रहा था बिफोर वो 8500 के लिए थे, तो उनमें 4 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा था। एज फॉर द इंटरनल स्टोरेज, आई थिंक JBL को थोड़ा सा स्टोरेज में ज़्यादा करना चाहिए था, दैट्स वॉट आई थिंक। इसके अलावा ओवरऑल आई वुड रेट इज़ अ रियली गुड एयरफोन। अगर आपका बजट है अराउंड 5000 का और आप चाहते हो कि आपको इंटरनल स्टोरेज मिले और आपको फ़ोन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है और साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग, अगर आप मोबाइल के साथ यूज़ करते हो तो आपके पास ऑप्शन भी रहते हैं, आप अपना मैनुअल बेस ओपन नीचे कर सकते हो, जितने भी आपको साउंड फीचर्स हैं आप वो कर सकते हो। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो इसके जो नॉर्मल साउंड है दैट्स वेरी नाइस, साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एयर टैप्स आपको बहुत मिलते हैं, चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे, सो यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है साइड में। सो ओवरऑल एयरफोन्स आर फैंटास्टिक एंड मैं आई विल गिव यू अ बाय रेटिंग अगर जिसको भी खरीदना है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को रिव्यू पसंद आया। एंड आपको कोई भी फ्यूचर ट्रेनिंग टॉक या फ्यूचर रिव्यू किसी के बारे में भी चाहिए, क्योंकि मैंने इसका अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिया था तो मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि एक रनिंग ईयरफोन रिव्यू करो, तो दैट्स वाई मैंने एक रनिंग ईयरफोन रिव्यू किया क्योंकि मैंने अभी नया खरीदा था तो मेरे पास ऑप्शंस थे रनिंग रिव्यूज़ के लिए। सो गाइस आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, और कमेंट करो अगर आपको कोई और रिव्यूज चाहिए या फिर आप कोई और ट्रेनिंग टॉक चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू।